नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट कोड के बारे में जिसके मदद से आप अपने फोन के अंदर इतना सारा चीजें छुपा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। ये दोस्तों एक ऐसा सीक्रेट कोड जो कि आपके फोन के अंदर छुपी ही ये चीजों को आप लोगों को दिखाएगा और आप जो है देख के बहुत ही चौंक जाएंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके डायल ऑप्शन में जाना होगा और इस कोड को डाल देना होगा जिसका नाम है *#0*#। तो इसको डालने के साथ ही साथ आप अपने फोन की स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने ऐसा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस चीज का मतलब क्या है, चलिए मैं अभी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए आपका फोन का कोई भी चीज जो है खराब हो चुका है, मान लीजिए आपका जो है टास्क या फिर स्पीकर या फिर कुछ भी सेंसर ये थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका है, तो आप किस तरह से टेस्ट करेंगे करके देखेंगे कि आपका फोन का जो स्क्रीन डिस्प्ले या फिर स्पीकर या फिर टास्क ये कैसे खराब हुआ है या फिर नहीं, आप कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली इस कोड को अपने फोन के अंदर डाल देना है जो कि *#0*#। तो इसको डालने के साथ साथ आपके सामने ये सभी के सभी ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए अभी जो है हम अपने डिस्प्ले को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अपने डिस्प्ले की ऑप्शन पे आपने डिस्प्ले पे कोई भी जो है होल है या फिर नहीं है या फिर कुछ भी खराब है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला जो तीन चीज आप देख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये तीनों चीजें ये चीज टेस्ट करने के लिए है। तो चलिए यहाँ पर रेड के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे रेड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रेड के ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं और अभी आप अपने डिस्प्ले को ठीक तरह से देख के यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले में कोई भी होल है या फिर नहीं है। तो चलिए अभी मैं इसको बैक करता हूँ, उसके बाद ग्रीन, तो ग्रीन से आप टेस्ट कर सकते हैं, जो होल आपको रेड में नहीं दिखेंगे वो ग्रीन में जरूर दिखेंगे। और यहाँ पर चलिए मैं इसको बैक करता हूँ और जो ग्रीन में नहीं दिखेंगे वो ब्लू में आपको जरूर दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ब्लू, तो बैक करता हूँ। उसके बाद ये आपका जो डिस्प्ले टेस्ट वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अभी है आपका रिसीवर, तो रिसीवर क्या है, चलिए हम रिसीवर पे क्लिक करते हैं। तो रिसीवर पे आप देख सकते हैं आपको एक बीप यहाँ पर साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहे। अब अगर आपको ये बीप साउंड नहीं सुनाई देते तो आप समझ सकते हैं कि आपके रिसीवर में कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन पे क्लिक करने से आपका जो है वाइब्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। आपका फोन अगर वाइब्रेशन नहीं होता है तो आप समझेंगे कि आपको वाइब्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये देखिए मेरा फोन अभी वाइब्रेट हो रहा है, तो मतलब कि मेरा फोन ठीक है। उसके बाद है डिमिनिंग, तो डिमिनिंग के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, आपका फोन कहीं पर क्लिक कर देंगे आपका फोन के जो सबके सब कलर है वो यहाँ पर ठीक है ये फिर नहीं है आप यहाँ पर शायद ही देख सकते हैं। तो डिमिनिंग है, उसके बाद है मेगा कैम, तो दोस्तों मेगा कैम के ऑप्शन पे आप जो है यहाँ पर क्लिक करके आपका पीछे का कैमरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आपका पीछे का कैमरा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पीछे का कैमरा एक बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक है। तो चलिए अभी मैं बैक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर ठीक तरह से यहाँ पर बैक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों है आपका ग्रिप सेंसर, तो ग्रिप सेंसर यहाँ पर सॉरी है, तो हम यहाँ पर आपको जो है सेंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप बगल में ही देख सकते हैं सेंसर, तो सेंसर आपका ठीक है या फिर नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर। तो चलिए हम सेंसर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सेंसर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना उंगली अपने फोन के सेंसर के ऑप्शन में जैसे ही रखेंगे यहाँ पर देखिए क्या होता है, मेरा जो उंगली है मैं सेंसर के ऑप्शन पे रख देता हूँ, अपना सामने सेंसर के यहाँ पर उंगली को रख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही मेरा फिंगर, तो दोस्तों जैसे ही मेरा फिंगर सेंसर की तरफ यहाँ पर लाऊंगा तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ होता है, मेरा फोन वाइब्रेट हो जाता है और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ग्रीन लाइट यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो देखिए मेरा फिंगर यहाँ पर देखिए सेंसर की ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे ही वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है। तो एक बहुत ही अच्छा और मजेदार चीज है, देखिए मैं तो ऐसे ही आप चेक कर सकते आपका सेंसर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक है। तो चलिए अभी हम जो है यहाँ पर बैक करते हैं, तो मेरा सेंसर भी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टच, तो अभी हम अपना टच यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर ये मेरा जो टच है वो यहाँ पर ठीक है या फिर नहीं है। तो देखिए मेरा जो टच है वो यहाँ पर मैं अभी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका टच अगर खराब होंगे तो यहाँ पर जो सफेद चीज है ये अगर यहाँ पर ग्रीन नहीं हो जाते तो आप समझेंगे कि आपका जो सेंसर है वो यहाँ पर खराब है। तो देखिए मेरा यहाँ पर दाग यहाँ पर ठीक ठाक यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि मेरा सेंसर यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक है, सॉरी मेरा टास्क ये पर बिल्कुल भी सेफ। उसके बाद है स्लिप, तो स्लिप के ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ साथ आप देख सकते हैं आपका स्लिप ठीक है ये पर रॉन्ग है। तो देखिए मेरा जो स्लिप है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक है। जी दोस्तों मेरा स्लिप यानी कि अपना लॉक जो है वो यहाँ पर ठीक है। तो उसके बाद है स्पीकर, तो चलिए हम स्पीकर को अभी टेस्ट करते हैं। तो स्पीकर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये स्पीकर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सॉन्ग अगर नहीं बजता है तो आप समझेंगे कि आपका स्पीकर खराब है। उसके बाद यह बताए साफ की फ्रंट कैम लो फ्रीक्वेंसी ब्लैक स्मार्ट ग्लो ये सब के सभी चीज को आप अपने आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको जो है बहुत ही मजा आने वाला है ये चीज को देखने के बाद।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो कोड है, ये कोड है स्टार हैश उसके बाद जीरो उसके बाद फिर से स्टार, फिर से आपको यहाँ पर हैश डाल देना है। और जैसे आप हैश डाल करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये चीज आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, प्लीज एक लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो तब तक के लिए इतने, बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।